नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे पार्ले जी से पेड़े। ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने बिस्किट के बनाए हैं। इनको बनाना एकदम से आसान है और केवल ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमने ये 2 पार्ले जी के बिस्किट ले लिए हैं। इसकी जगह हम ले सकते हैं टाइगर बिस्किट, जो ब्राउन कलर के हों। आप कोई भी प्लेन बिस्किट ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो पेड़े का कलर है वो ब्राउन आएगा इसलिए। और ये हमने 1 कप दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध लिया है और ये दूध हमने उबाल कर लिया है, तो ये दूध मलाई के साथ है। और ये 2 बड़े चम्मच हमने चीनी ले लिए, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लें। और ये 2 चम्मच हमने लिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 कप दूध ले लें, और खाली अगर आप मिल्क पाउडर के बनाना चाहें तो आप 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लें। और ये हमने 2 हरी इलायची को, देखिए इसको हमने कूटा नहीं है, दाने निकाल लिए। और ये हमने बादाम और पिस्ता काट के रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम बिस्किट खोल कर इनको मिक्सी जार में डालकर एकदम फाइन पीस लेंगे। ये एकदम से बहुत आसान रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छी है। जब भी आपका मन करे आप फटाफट बनाएं और खा सकते हैं। बिस्किट अब हम थोड़े से तोड़ लेंगे और साथ में हम ये जो 2 इलायची डाली हैं वो भी डाल देंगे, जिससे कि आराम से पिस जाएंगी। दोस्तों देखिए, ये बिस्किट हमने पीस लिए हैं। अब इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे। देखिए, ये हमने सारा बिस्किट पाउडर निकाल लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे दूध। ये दूध उबला हुआ है, हमें दूध उबाल के लेना है, कच्चा नहीं लेना। अगर कच्चा ले रहे हैं तो पहले दूध उबाल लें, फिर उसके बाद ये मिक्स करें। अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में अब हम डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है और 1 कप दूध ही है तो खाली आप 1 कप दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज़ डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, ये सभी चीज़ हमने मिक्स कर ली है। अब हम रख देंगे इसको गैस पे। गैस हमने दोस्तों जला ली है और इसको हम एकदम स्लो पर ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। शुरुआत से हम स्लो पर रखेंगे और साथ में हम ये चीनी भी डाल देंगे, जैसे कि चीनी जल्दी से घुल जाएगी क्योंकि इसे बनने में बहुत समय नहीं लगता है। अभी से हम लगातार चलाते हुए एकदम स्लो फ्लेम पर रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए, ये ठीक होना शुरू हो गया है। गर्म होने के साथ ही इसे हमें चारों तरफ से छोड़ाते हुए पैन से इसको हमें मिक्स करते रहना है। दोस्तों देखिए, काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन अभी हमें और थिक करना है थोड़ा सा, जिससे कि आराम से देखिए पेड़े का लुक आए। इसको थोड़ा सा और हम कर लेंगे, भून लेंगे, इससे बिस्किट का थोड़ा फ्लेवर भी कम हो जाएगा। तो देखिए, पेड़े का मटेरियल एक तरफ इकट्ठा हो गया है और इसने पैन छोड़ दिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दोस्तों देखिए, ये मटेरियल हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है, 5 मिनट में ठंडा हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे उंगलियों से,
जैसे कि पेड़े हमारे जो हैं वो कटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और एकदम चिकना पेड़ा बनेगा। दोस्तों देखिए ये हमने अच्छे से मल लिया है। अब थोड़ा सा पार्ट लेंगे, एक चम्मच से ले लेते हैं, जैसे कि को साइज के बनेंगे सारे पेड़े। फिर हमारे हमने इतना बड़ा साइज लिया है, इसको हम गोल गोल कर लेंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल नहीं फट रहा है, एकदम बढ़िया पेड़ा बन रहा है। इसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे, देखिए कितना लुक अच्छा लग रहा है। अब इस पर हम थोड़ा सा पिस्ता और बादाम लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए मैं एक और बताती हूँ, चम्मच से हम लेंगे और इसको हम पेड़े का आकार दे देंगे। बहुत इजी है पेड़े बनाना। देखिए और हल्का सा हम बादाम लगा देंगे, पिस्ता लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए पार्ले जी बिस्किट के हमारे डिलीशियस पेड़े बनकर तैयार हैं। और देखिए इनका लुक कितना सुंदर है, ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे। आप इनको ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि ये खाने में कैसे लगे और कितना झटपट हो गया ना। जब भी मिठाई खाने का मन हो तो फटाफट बना लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।